श्री कृष्ण, आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी शुक्रवार 10 दिसंबर 2021 को श्री गोसाई जी के चतुर्थ लाल जी श्री गोकुलनाथ जी का प्राकट्योत्सव है। आप सभी को खूब खूब बधाई। विशिष्टता यह है कि विक्रम संवत 1608 में मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को इलाहाबाद के अडेल में जन्मे श्री गोकुलनाथ जी को पुष्टि मार्ग में माला तिलक के रक्षणहार के रूप में जाना जाता है। पुष्टि साहित्य के अनुसार विक्रम संवत 1672 में बादशाह जहांगीर को वश में कर चिद्रूप नामक एक सन्यासी ने माला तिलक पहनने पर प्रतिबंध लगवा दिया। थोड़ा सा गौर कीजिए, यह चिद्रूप कौन था? महत्वाकांक्षाओं के लिए इसने किसे क्षति पहुंचाई? किसे प्रोत्साहन मिला? किस सत्ता को बल मिला? इन्हीं बीजों के फल हमें आज भी काटने पड़ रहे हैं। लेकिन तब श्री गोकुलनाथ जी धरती पर विराज रहे थे। आपने न केवल इसका कड़ा विरोध किया, बल्कि माला तिलक की रक्षा करने के लिए 72 वर्ष की आयु में आप 49 दिन की विकट यात्रा कर बादशाह जहांगीर को समझाने के लिए कश्मीर पधारे थे। आपने अपने तेज, विद्वता और तर्कों के माध्यम से सभी को, पुष्टि जीवों को, अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्रता दिलाई। पुष्टि मार्ग में गोकुलनाथ जी के वचनामृत बहुत प्रसिद्ध हैं। आपके हास्य प्रसंग भी बहुत प्रसिद्ध हैं और प्रेरणादायक हैं। आपकी 13 बैठकें विराजित हैं, इनमें से 8 बैठक ब्रज में, 2 गुजरात में, 1 सोरम जी में, 1 अडेल में एवं 1 कश्मीर में स्थित है। विक्रम संवत 1697 में माघ कृष्ण नवमी के दिन 89 अर्थात 89 वर्ष की आयु में आपने नित्य लीला में प्रवेश किया। विपरीत परिस्थितियों तथा विपरीत सत्ता में अपने ही लोगों द्वारा किए गए षड्यंत्रों से पुष्टि मार्ग को माला तिलक पुनः लौटाने वाले श्री गोकुलनाथ जी का यह योगदान अप्रतिम है। श्री गोकुलनाथ जी के प्राकट्योत्सव की पुनः आप सभी को खूब खूब बधाई। इस शुभ अवसर पर हम श्री गोकुलनाथ जी के वचनामृतों का प्रसारण कल से पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। इसके साथ ही कल की प्रस्तुति में हम श्री गोकुलनाथ जी के जीवन चरित्र पर विशेष प्रकाश डालेंगे। इस अवसर पर प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में क्या विशेष क्रम रहता है, आइए दर्शन करें। श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव से पौष कृष्ण अष्टमी तक श्री जी को प्रतिदिन शयन के अनोसर में व राजभोग पश्चात अनोसर में दूध घर में विशेष रूप से सिद्ध की गई सौभाग्य सूट की सामग्री अरोगाई जाती है। प्रभु श्रीनाथ जी को अरोगाई जाने वाली सामग्रियों में शीतकाल में अरोगाई जाने वाली यह सामग्री अति विशिष्ट है। केसर, कस्तूरी, सौंठ, अंबर, बरास, जावेंत्री, जायफल, विभिन्न सूखे मेवों, घी व मावे के सहित कई मसालों से निर्मित यह सामग्री बहुत ही लाभदायक है। इसे खाने वाले व्यक्ति को सौभाग्यशाली कहा जाता है। पौष कृष्ण नवमी श्री गोसाई जी के उत्सव के दिवस से शाकघर में सिद्ध की गई सौभाग्य सूंठ की सामग्री प्रभु को अरोगाई जाती है। दूसरा परिवर्तन होता है, आज से प्रभु श्री जी के संत पंचमी तक शयन दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। हालांकि प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा के तहत शयन का सभी सेवा क्रम नित्यवत ही होता रहता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि आज अर्थात श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव से वसंत पंचमी
व रामनवमी से अश्विन शुक्ल नवमी तक शयन के दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। गोकुलनाथ जी का उत्सव होने के कारण प्रभु श्री जी का सेवा क्रम थोड़ा विशिष्ट रहता है। आइए देखते हैं। श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों से बनी वंदनमान बांधी जाती है। गेंद, चौगान, दीवाला आदि सभी सोने के आते हैं। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। चारों समय अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या व शयन की आरती थाली में की जाती है। दिन भर के सभी कीर्तनों में झांझ बजाई जाती है। सभी समय के कीर्तनों में गोकुल शब्द वाले बधाई के कीर्तन गाए जाते हैं। उत्सव होने के कारण गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में श्री जी को केसर युक्त जलेबी के टूक और विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी का भोग अरोगाया जाता है। अनसखड़ी में राजभोग में दाख का रायता, सखड़ी में मीठी सेव व केसर युक्त पेठा अरोगाए जाते हैं। राजभोग दर्शन में प्रभु के सम्मुख चार बीड़ा की सिकोरी धरी जाती है। अब श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव के दिन के प्रभु श्रीनाथ जी के श्रृंगार दर्शन कर लेते हैं। श्री जी की साज सेवा में आज लाल मखमल के आधार वस्त्र के ऊपर सिल्मा सितारों के, कशीदे के, पुष्प लताओं के, जरदोशी के भरत काम वाली पिछवाई सजाई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है एवं सम्मुख में लाल रंग की तेह बिछाई जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि सभी जड़ाऊ स्वर्ण के ही रहते हैं। सम्मुख में धरती पर दृष्टि व अंगेठी धरी जाती हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल साटन के, छापा के, सूथन, चाकदार वाका, चोली एवं जड़ाऊ मोजा जी धराए जाते हैं जो श्री गोकुलनाथ जी ने प्रभु को धराए थे। सभी वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं। जड़ाऊ मोजा जी के ऊपर लाल रंग के फूंदे शोभित होते हैं। ठाड़े वस्त्र प्रभु को मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आवरण सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को वनमाला का, चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांकला आदि सभी आवरण मानक की प्रधानता वाले धराए जाते हैं। आज त्रवल नहीं धराए जाते हैं परंतु टोडर धराया जाता है। श्रीकंठ में प्रभु के आज बघनखा भी धराया जाता है। कली, कस्तूरी आदि सभी माला जी धराई जाती हैं। श्री मस्तक पर प्रभु के जड़ाऊ स्वर्ण की, कुल्हे के ऊपर सिरपेच, पांच मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाई ओर शीश फूल धराया जाता है। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाई ओर मानक की चोटी जी धराई जाती हैं। श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाक वाली दो माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में मानक के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर आदि तो उत्सव धराए ही जाते हैं। आरसी प्रभु को आज चार झाड़ की दिखाई जाती है। खेल के साज में पट उत्सव का एवं गोटी सोने की जाली की रखी जाती है। संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु के श्रीकंठ के श्रृंगार, जड़ाऊ मोजा जी व कुल्हे बड़े किए जाते हैं। आवरण छेड़ान के अर्थात छोटे धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल छापे की, कुल्हे व मोजा जी भी लाल छापा के ही धराए जाते हैं। मान्यता है कि आज इससे शीत का प्रभाव अधिक होता है, अतः बाल स्वरूप प्रभु की शीत से बचाव के लिए संध्या आरती दर्शन के पश्चात भीतर की सोहनी कर सभी द्वार बंद कर दिए जाते हैं। डोल, तिवारी, मणि कोठा आदि विभिन्न स्थानों पर अंगीठी रखी जाती है। राग सेवा में मंगला में बहुरी कृष्ण गोकुल पुनी प्रगटे, श्रृंगार में जुग जुग राज करो श्री गोकुल, राजभोग में विठलेश चरण चारु पंकज, आरती में वल्लभ खेलत हैं ग्रह आंगन, शयन में श्री वल्लभ राजाधिराज राजत, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। नित्य नियमानुसार प्रभु को विविध भोगों में
कई सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। जय जय श्री गोकुलेश, जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष छठ गुरुवार 9 दिसंबर 2021 को प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणाली के अनुसार ऐच्छिक श्रृंगार धराए जाते हैं। नेके रे तो लागत है अति सीत के, नेके रे तो लागत है अति सीत के, ऐच्छिक श्रृंगारों के विषय में हम भली भांति जानते हैं कि यह उन दिनों में धराए जाते हैं जिन दिनों के लिए श्री जी की सेवा प्रणालिका में कोई श्रृंगार निर्धारित नहीं होता है। इसकी प्रक्रिया के तहत प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा सर्वोपरि रहती है, जिसके तहत मौसम के अनुसार तत्सुख की भावना से पूज्य तिलकाय श्री की आज्ञा के अनुसार मुखिया जी के द्वारा श्रृंगार धराया जाता है। एक विशेष सूचना और, इस ऋतु में आज शयन के दर्शन अंतिम बार खुलेंगे। कल से बसंत पंचमी से एक दिन पहले तक श्री जी में शयन के दर्शन बाहर दर्शनार्थियों के लिए नहीं खोले जाते हैं। साध सेवा के तहत प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में आज केसरी रंग की सिलमा सितारों के कशीदे के जरदोशी के काम वाली एवं हाशिया वाली शीतकाल की पिछवाई सजाई जाती है। अन्य साज में गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़घा, बंटा जी आदि जड़ाऊ स्वर्ण के पधराए जाते हैं। सन्मुख में धरती पर त्रष्टि व अंगीठी पधराई जाती हैं। प्रभु श्री जी की वस्त्र सेवा में आज केसरी रंग के साटन के वस्त्र धराए जाते हैं, जिसमें रूपहरी जरी की किनारी लगी हुई होती है। वस्त्रों के प्रकार में सूथन, घेरदार वागा, चोली एवं मोजा जी धराए जाते हैं। पटका प्रभु को मलमल का धराया जाता है और ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा में प्रभु को आज छोटा हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण माणक के धराए जाते हैं। प्रभु के श्री मस्तक पर केसरी रंग की गोल पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेच, जमाव का कतरा, चंद्रिका एवं बाई ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के पन्ना के कर्णफूल धराए जाते हैं, तो फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के हरे मीना के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ आभरण से मिलवा धराई जाती हैं। खेल के साज में आज पट केसरी व गोटी मीना की पधराई जाती है। इन सभी सुंदर साज, वस्त्र, आभरण एवं श्रृंगारों से अलंकृत प्रभु श्री जी को आरसी नित्यवत चांदी वाली दिखाई जाती है। संध्याकालीन सेवा में आरती दर्शन के उपरांत श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लोमतुर्रा रूपहरी धराए जाते हैं। राग सेवा के तहत आज मंगला में व्रजानंद कंदम, राजभोग में आज नी को बन्यो, आरती में छबीले तरुण मदमाते हो नैन, शयन में चितवन में ही टोना और हिमकर सुखद सरस, मान के पद में तू चल मेरो मान राख आवन, पोड़वे के पद में निकी ऋतु लागत है अतिशीत की, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला, राजभोग,
आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग आदि में विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। माई आज तो गोकुल गाम, राग जय जयवंती, ताल चौताल। आए आए
सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साहेब एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।